क्वाड शिखर सम्मेलन में क्वाड के नेताओं ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में भारत की भूमिका अहम है। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदी महासागर में महाशक्ति बनकर उठा है। अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में क्वाड के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। हिंद महासागर में भारत की भूमिका को लेकर उनकी तारीफ की गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर में महाशक्ति बनकर उभरा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका को भी भारत के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के आयोजन का समर्थन करने की बात कही। समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के पक्ष में है। स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत हमारी प्राथमिकता है। हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के समर्थन में है। हमने मिलकर स्वास्थ्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन, क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी पहल की है। क्वाड कायम रहेगा, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के नेता ऐसे समय में यहाँ इकट्ठे हुए हैं जब पूरी दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे समय में क्वाड का अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मिलकर काम करना सबसे अहम है। हमारा संदेश स्पष्ट है कि क्वाड कायम रहेगा। दरअसल पीएम मोदी का पूरा निशाना चीन की तरफ था। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। वहीं वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंच गए। वे आज न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री किशिदा और प्रधानमंत्री अल्बनीसी, मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही आज क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। एमटेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं।
2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।